हेलो फ्रेंड्स, मेरे मन में बहुत सारी बातें हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे स्टार्ट करूं, बट लेट्स आई स्टार्ट। हमेशा हम कुछ पोइट्री, सिंगिंग या कुछ मोटिवेशनल थॉट्स पे ही वीडियो बनाते थे, बट ये मेरी पहली वीडियो है जो इन सबसे हटके है। एक्चुअल में मैं आप सबसे कुछ कहना चाहती थी, मुझे समझ नहीं आता कि मैं कुछ बातें ये आप सबसे कैसे क्यों, तो मुझे लगा कि हमें एक वीडियो शूट करना चाहिए, तो उस वीडियो के थ्रू मैं आपसे ये बातें कहना चाह रही हूँ। सो लेट्स आई स्टार्ट। आई एम कन्फ्यूज़ कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, बट चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्चुअल में हुआ यूँ कि मैं एक बार बस में आ रही थी, बस में डेली की तरह ट्रैवल कर रही थी, तो बस में पॉलिटिक्स की बातें चल रही थी कि किसे वोट देना चाहिए, कौन सही है कौन सही नहीं है। तो हमने, मेरे भी कुछ फ्रेंड्स थे और मैं भी थी साथ में, तो मैंने बोला आई थिंक मोदी को सपोर्ट करना चाहिए, मोदी ने देश के लिए काफ़ी कुछ किया है। तो लोगों ने कहा नहीं, मोदी सही नहीं है, किसी ने कहा हाँ मोदी को सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, हम नहीं जानते कि कौन सही है या कौन गलत है, हम ये भी नहीं जानते कि पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है या क्या हमें समझ में आएगा, बट हम ये तो जानते हैं, हमें ये तो दिख रहा है कि क्या हमारे साथ सही हुआ क्या गलत हुआ, ये तो हम समझ सकते हैं ना। मुझे बुराई किसी भी पार्टी से नहीं है, किसी पॉलिटिक्स लीडर से नहीं है, बस मैं हूँ तो इस देश के नागरिक होने के साथ साथ मेरा ये फ़र्ज बनता है कि मैं इस देश के हित के बारे में सोचूं, जो इस देश के लिए सही है मैं वो करूं। बहुत से लोग होंगे जो ये नहीं सोचते होंगे कि मैं वोट किसे दूं या किसे ना दूं। अगर कोई बीजेपी का है तो बीजेपी को वोट देगा, कोई सपा का है तो सपा को वोट देगा, या कोई कांग्रेस का है तो वो कांग्रेस को वोट देगा, सब अपनी अपनी पार्टी को ही वोट देंगे। अगर हम सपोर्ट से हटके और एक फ्री माइंड होकर हम ये सोचें कि हमारा ये वोट, हमारा एक वोट इस देश के लिए कितना कितना कारगर हो सकता है, हमारा एक वोट इस देश को बदल सकता है। बात करें मोदी की, तो मैं मोदी के सपोर्ट में नहीं हूँ, बट जो जो करता है वो दिखता भी है, आज तक का रिकॉर्ड रहा है। एक बार हमारे एक फाइटर पायलट, मैं नाम तो नहीं ले रही हूँ, बट एक फाइटर पायलट हमारे पाकिस्तान में गए थे, जो कि उनका प्लेन जो क्रैश हो गया था, वो फाइटर पायलट इंडिया नहीं आ पाए थे, बट अभी करंट में ही अभिनंदन वर्तमान हमारे पाकिस्तान में उनका जब प्लेन क्रैश हो गया, तो 48 घंटे में वो अपने घर इंडिया वापस आ गए। तब किसकी सरकार थी? मोदी की ना। आज से पहले जितनी भी सरकार आई कभी ऐसा नहीं हुआ। अब इन्हीं सब बातों को अगर हम ध्यान में रखें, तो बस की मैं आपको बात बताई, तो हाँ मैं बस में ट्रैवल कर रही थी, कुछ लोग तो मुझसे पता मुझसे कहा कि मोदी इतना ही अच्छा होता तो क्यों नहीं ये गुटके बंद करा देता, क्यों नहीं ये देश में सफाई करा देता, क्यों नहीं ऐसा करा देता, क्यों नहीं वैसा करा देता। तो मेरा उन लोगों से ये कहना है जो लोग ये बोलते ना, मोदी ये नहीं करा देता, मोदी वो नहीं करा देता, मोदी सब कुछ नहीं करेगा, मोदी आके खुद कुछ नहीं करेगा। आप एक एग्जांपल लिए, आप स्मोक करते हो, आप तंबाकू खाते हो, तंबाकू पे क्या लिखा होता है? ये जानलेवा। क्या लिखा होता है? तंबाकू जानलेवा है, फिर भी लोग खाते हैं, क्यों? उन्हें नहीं दिखता है, वो बोलते हैं मोदी बंद नहीं करा रहा है, उन्होंने कंपनी बंद नहीं, वो क्यों कर रहा है? आप ये सोचिए ना कि उसी गुटखे की फैक्ट्री से करोड़ों लोगों के परिवार चल रहे हैं, करोड़ों लोग उस फैक्ट्री में काम करके अपना घर चला रहे हैं, अगर वो फैक्ट्री बंद करा देगा तो उन करोड़ों लोगों का क्या होगा? ये तो हम पे डिपेंड करता है ना, अगर हम गुटखे ही खाना बंद कर देंगे तो गुटखे बनना ही बंद हो जाएंगे, पर नहीं, हम खुद को नहीं रोकेंगे, हम दूसरों से कहेंगे कि वो ऐसा नहीं कर रहा है। दूसरों से कहने से अच्छा हमें खुद करना चाहिए, हमें खुद निर्णय लेना चाहिए, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं बस इतना कहना चाह रही हूँ कि आपका एक एक वोट इस देश के हित में काम करना। मैं भी ये टीम की हो गई हूँ, इस बार हम भी वोट देंगे, तो हम चाहते कि हमारा एक वोट देश के हित में हो, हम इस देश के नागरिक हैं और ये हमारा फर्ज बनता है कि हमें अपने देश को कैसा बनाना है, किस ओर ले जाना है, उस देश में कैसी सरकार चाहिए। तो अच्छी सरकार चुनिए और देश बचाइए और देश को बनाइए। थैंक यू। तो प्लीज़ मेरा साथ दें और ये वीडियो हर किसी तक पहुँचाएँ, आप इसे शेयर करो और अपने थॉट्स को कमेंट्स करो, और प्लीज़ थैंक यू एंड जय हिंद।